स्वामी विवेकानंद मंच द्वारा अपने दूसरे प्रयास में पार्श्वनाथ सिटी के निवासियों के साथ मिलकर 100 पौधे रोपित किए गए। स्वामी विवेकानंद मंच द्वारा पौधारोपण करने को लेकर नगरवासियों को जागरूक किया गया तथा जिसमें नगरवासियों द्वारा पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर मंच की ओर से संजीव लखनपाल ने कहा कि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, वातावरण को दूषित होने से पौधों की अहम भूमिका होती है, परंतु बीते कुछ समय से जिस तरह से पौधों की संख्या कम हुई है उससे वातावरण दूषित होता है। वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिक वन क्षेत्र होगा तो बरसात भी अधिक होगी, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि पौधारोपण अभियान चलाया जाए। लोग पौधारोपण तो कर लेते हैं लेकिन बाद में देखभाल नहीं करते, जिसके कारण पौधा सूख जाता है। इसलिए जरूरी है कि पौधारोपण करने के बाद उसकी नियमित रूप से देखभाल की जाए, तभी लगातार कम होते पौधों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। जब भी हो सके अपनी सुविधा अनुसार एक पेड़ अवश्य लगाएं, यह समाज के लिए आपकी भागीदारी होगी। इस अवसर पर मंच की ओर से संजीव लखनपाल, विकास नागपाल एवं सुरेंद्र भल्ला ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण किया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।